नमस्कार दोस्तों, सरकारी करियर्स के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EPFO में आए हुए 421 इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। आइए इस वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। EPFO यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर 421 इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर 30 साल। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर 25 रुपये है। और अगर आप SC ST या फिजिकल हैंडीकैप है या वुमेन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख है यहाँ पर 31 जनवरी 2020। सैलरी मिल रही है आपको यहाँ पर लेवल 8 ग्रेड की एज़ पर 7 पे कमीशन के अनुसार, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। जॉब लोकेशन यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। आइए इस वैकेंसी को और डिटेल में देखते हैं। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 421 पोस्ट, और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 168 है, OBC के लिए 116, EWS के लिए 42 पोस्ट हैं, SC के लिए 62 और ST के लिए यहाँ पर 33 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। सिलेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स यहाँ यह पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in से, और यहाँ पर अंतिम तारीख है 31 जनवरी 2020। आइए इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने की अंतिम तारीख है 31 जनवरी 2020, और आपका पेमेंट एप्लीकेशन फीस भरने की अंतिम तारीख है 31 जनवरी 2020, और यहाँ पर एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट रखी गई है 4 अक्टूबर 2020। इस वैकेंसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने नीचे लिंक में दिया है, आप यहाँ जाकर और डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। धन्यवाद।